नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो के टाइटल के अनुसार इस दुर्लभ जानकारी को सही से समझाने के लिए कुछ बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस जानेंगे, जिससे बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारी भी मिलेगी और आपके कई सारे संदेह दूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के एक एक सेकंड्स को मिस ना करें और अंत तक जरूर देखें। पुरुष के वीर्य में मौजूद शुक्राणु व स्पर्म जब सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्त्री के शरीर में जाता है तो स्त्री के रज में मौजूद अंडाणु व एक्स की तरफ बढ़ता है। ध्यान से देखें, एक बार सीमेन इजैकुलेशन में लगभग 226 मिलियन स्पर्माटोजोआ निकलते हैं। उनमें से एक ही स्पर्म एक अंडाणु को भेदने में सफल होता है, कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद भ्रूण पैदा होता है। भ्रूण एक बच्चे के आकार को लेकर पूरी तरह विकसित होने के लिए 9 महीने समय लेता है और उसका जन्म होता है। जन्म के बाद से 12 साल की उम्र तक सीमेन सिक्रेशन नहीं होता है। सीमेन सिक्रेशन को बायोलॉजी में सेक्स ग्लैंड सिक्रेशन कहते हैं। दो प्रकार के हैं, एक है इंटरनल सिक्रेशन, दूसरा है एक्सटर्नल सिक्रेशन। दोस्तों, इंटरनल सिक्रेशन और एक्सटर्नल सिक्रेशन के बारे में डिटेल्स में किसी और वीडियो में बात करेंगे। जब तरुण अवस्था आती है अर्थात प्यूबर्टी के समय 13 साल की शुरुआत में सेक्स ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्रेशन होने लगते हैं, मतलब शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया चालू होती है। ऐसे में 13 साल के बाद यौन उत्तेजना बढ़ने से ऑर्गाज्म के दौरान वीर्य बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अभी जो हमने वृण बनने से लेकर बच्चा बनने तक और फिर वीर बनने की बात कही है, इसमें समझने वाली बात है, चाहे शरीर हो या वीर्य, पूरी तरह बनने के लिए प्रकृति ने एक सिस्टम और समय तय किया है। सिस्टम के ऑपोजिट और समय से पहले कुछ भी बनना संभव नहीं है। मनुष्य शरीर का आधार है आंतरिक पोषण, जो भोजन से होता है, उसी से इंटरनल सिक्रेशन होता है, साथ में बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन और मेंटेनेंस होता है। स्पर्माटोजोआ और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेल्स में गहरा संबंध इस तरह है कि स्पर्माटोजोआ नहीं बनने से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में समस्या पैदा होती है। अगर स्पर्माटोजोआ बर्बाद नहीं होता है तो खून में एब्जर्व होकर ब्रेन में चला जाता है। आइए जानते हैं स्पर्माटोजोआ में क्या क्या होता है। स्विस फिजिशियन और बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैस्चर ने अपनी स्टडी में पाया है, स्पर्माटोजोआ के हेड में 96% न्यूक्लियोप्रोटीन्स है और टेल में बहुत ज्यादा फॉस्फोराइज फैट्स अर्थात लेसिथिन और कोलेस्टेरिन है। स्पर्माटोजोआ के केमिस्ट्री के अनुसार उसमें 83.76% प्रोटीन, 7.47% लेसिथिन, 4.53% दूसरे फैट्स, 2.53% कोलेस्टेरिन होते हैं। अत्यधिक वीर्यनाश से लेसिथिन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, बाकी सब वैल्यूएबल सब्सटेंसेस की कमी होती है। इन सारे केमिकल्स को खून से खींचकर स्पर्माटोजोआ बनाने का काम शरीर का सिस्टम करने लगता है, जो शरीर के बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेस और डेवलपमेंट को नेगेटिवली प्रभावित करता है। वीर्य में मौजूद स्पर्मिन एक नर्व स्टिमुलेंट है, अर्थात नर्व को शक्ति देने वाला द्रव्य, जो वीर्य में भी होता है। रशियन फिजियोलॉजिस्ट अलेक्सेंडर पॉयल ने कुछ जानवरों को स्पर्मिन इंजेक्शन दिया था, जिससे जानवरों में सेल एक्टिविटी बढ़ गई थी। जानवर के टिश्यूओं में ऑक्सीडेशन रेट और मेटाबॉलिज्म तेज हो गई थी। नर्वस सिस्टम में एक जीवनी शक्ति का प्रभाव देखने को मिला। दोस्तों, इसी चीज को ब्राउन सिक्वर्ड ने अपने स्पर्मेटिक इंजेक्शन में कंफर्म किया था। वीर्य में मौजूद स्पर्मिन को 1878 में स्ट्रेनर ने डिस्कवर किया था। स्पर्मिन पैदा होकर
शरीर में ऑब्जर्व हो जाती है, पर वीर्यनाश के कारण इसका नाश होता है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम और ब्रेन की जीवनी शक्ति नेगेटिवली प्रभावित होती है। दोस्तों, वीर्य में और कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या है उनके काम, इसे जानने के लिए इन वीडियोज को जरूर देखें, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे वैल्यूएबल केमिकल्स और सब्सटेंसेस शरीर और ब्रेन के न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। वीर्यनाश से जब इनकी कमी होती है तो सेक्स ग्लैंड इंटरनल सिक्रेशन रोक देता है और एक्सटर्नल सिक्रेशन को बढ़ा देता है। एक्सटर्नल सिक्रेशन को अंजाम देने के लिए खून में से ये सब केमिकल्स जो ब्रेन के लिए रिजर्व थे, इन्हें खींचकर जल्दी वीर्य बनाने में लगता है। इसी कारण से वीर्य पतला होने के साथ साथ ब्रेन में जरूरी केमिकल्स की कमी से बार बार सुस्ती और बेहोशी आती है। इसी बेहोशी को कहते हैं एनेस्थीसिया। इसके बढ़ने से न्यूरास्थेनिया नाम की बीमारी होती है। दूसरी बात, वीर्य लगातार बनने से खून में आवश्यक सब्सटेंसेस की कमी होती है, जिसके कारण दिमाग के साथ साथ हड्डी मांसपेशी आदि में कमजोरी आने लगती है। और क्या क्या समस्याएं आती है उसके लिए आप ये दोनों वीडियोज देखें और एक किताब पढ़ें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, फ्रेंच फिजिशियन एडवर्ड चेसेकनैक ने कहा है, The healthier the individual, the easier to practice complete abstinence. It is only the diseased and neurotic person who finds it difficult to do so. मतलब जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वही हस्तमैथुन और संभोग से दूरी बना सकता है। जो बीमार है और जिसकी नसें कमजोर हैं, उसके लिए ब्रह्मचर्य मुश्किल है। वीडियो के अंत में हम बताना चाहते हैं, मंथन हब को ईमेल और कमेंट्स के माध्यम से बहुत लोगों ने कहा है, मैं 20 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ और मैं 35 साल का हूँ। मुझे नहीं पता था कि वीर्यनाश इतना हानिकारक है। मैंने अनजाने में बहुत वीर्यनाश किया है, क्या मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मचर्य का लाभ उठा सकता हूँ? दोस्तों, हम आपको सलाह देना चाहते हैं। जिंदगी की इस दौर में कई तरह के संघर्ष हैं, इसमें हार जाना एक बात है, जैसे ब्रह्मचर्य के पालन में हार जाना एक बात है, लेकिन हार मानना दूसरी बात है। ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन कोई लड़ाई या संघर्ष नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। इस बीच कभी फिसल जाएं तो हार बिना माने ही आगे बढ़ते जाना आपके हाथ में है। जब जागो तब सवेरा। ठीक होने के लिए या बेनिफिट्स पाने के लिए ब्रह्मचर्य कभी ना करें, बल्कि जीवन के स्वास्थ्य शांति और कांति के लिए ही ब्रह्मचर्य अपने आप होने दें, अपने आप होने दें। जैसे सूरज के उदय होने से रात चली जाती है, बारिश में खड़े होने से शरीर भीग जाता है, भरपेट खाना खाने से भूख मिट जाती है, उसी तरह ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को अपनाने से ब्रह्मचर्य सहज होने लगता है। साथ ही साथ जीवन की कई सारी शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान का द्वार खुलने लगता है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल के लिए हमारी प्लेलिस्ट मंथन अब योगा देखें और अपनी सुविधा अनुसार जीवन में इसे अपनाएं।